हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आ चुका है 0.16.0 का अपडेट PUBG मोबाइल लाइट के अंदर। तो हमें अपडेट मिल चुका है, तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें नया आया है। वैसे प्ले स्टोर से नहीं, मैंने ओप्पो के ऐप स्टोर से डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर पे तो मुझे भी अभी तक नहीं मिला था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ईवो ग्राउंड में तो वही दो, आर्केड में वही दो, और यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे बैटल रॉयल कर दिया है गोल्डन वुड को, दोनों मैप को एक साथ कंबाइन कर दिया है, ताकि काफ़ी बार कन्फ्यूजन होती थी लोगों को कि ये दोनों अलग अलग मैप है और इसमें शायद इसमें रैंक नहीं करती। कई बार मेरे को ऐसे बंदे मिले हैं। तो देख लेते हैं फटाफट क्या क्या आया है। तो भाई इन्होंने पूरी थीम चेंज कर दी, पूरी स्प्रिंग पर बेस्ड थीम है और सेम PUBG मोबाइल के जैसे कर दिया। तो देख लेते हैं यहाँ पे मैसेज में कुछ दिया है इन्होंने क्या हमें। तो अपडेट के तो कुछ नहीं दिया, और इसके बाद इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं इन्वेंट्री में क्या क्या आया है। तो इन्वेंट्री में PUBG मोबाइल की थीम कर दी इन्होंने कि अपनी ही बनाई है शायद, लेकिन अच्छा लग रहा है जो भी आया है। तो इसके बाद चेक कर लेते हैं क्लैन में क्या क्या है। तो क्लैन में तो रैंक सिस्टम अब देख, कल ही से आ गया था रैंक, तो रैंक कल ही से, तो माफिया क्लैन तो बहुत नंबर वन पे चल रही है अभी। और देख लेते हैं इसमें क्लैन PUBG मोबाइल में तो शॉप में ही यहाँ पे रूम कार्ड मिलता है, लेकिन इसमें नहीं दिया उन्होंने। तो काफ़ी अच्छा होता था अगर दे देते यहीं पर। तो देख लेते हैं एक बार रूम कार्ड में भी कि रूम कितना आया है, रूम देख लेते हैं एक बार। तो भाई अंदाजन रूम बना दिए इन्होंने तो, और रूम कार्ड आया क्या, तो हम भी देख लेते कहाँ पे आया। तो रूम कार्ड मिले हैं यहाँ पे 100 रुपये का, 100 BC का रूम कार्ड मिलेगा आपको एक दिन के लिए, एक रूम कार्ड, और 500 BC के मिलेंगे 7 रूम कार्ड्स, 7 रूम कार्ड मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में अनलिमिटेड बना सकते हो, आप एक दिन में एक ही यूज़ कर सकते हो, मुझे तो ऐसा लगता है, अभी देखेंगे बाय करके। तो रिडीम सेक्शन में चेक कर लेते एक बार, यहाँ भी तो कुछ खास नहीं आया, यहाँ भी ले आते तो बेचारे हम जैसे को कुछ मिल जाता, अरे ये क्या असली ला के रख दिया है, पता नहीं क्या क्या लाते रहते। तो प्रोफाइल चेक कर लेते हैं एक बार, प्रोफाइल में क्या क्या आया है। तो करियर रिजल्ट्स आप देख सकते हैं आप PUBG मोबाइल की ही तरह PUBG मोबाइल लाइट के अंदर भी, तो एक अच्छी बात है और एक पूरा PUBG मोबाइल वाला फील आ रहा है अब इसमें। और तो इवेंट्स तो कुछ खास नए नहीं आए, और यहाँ पे मिशन देख लेते हैं एक बार। मिशन में डेली मिशन में वॉच वीडियो के ऑप्शन में आपको कुछ मिलेंगे, अचीवमेंट कुछ नए तो नहीं आए, मुझे ऐसा नहीं लगता अचीवमेंट नए आए होंगे, वैसे आए भी नहीं हैं तो हमारे अचीवमेंट में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वॉच वीडियो का ऑप्शन आ गया, ये अच्छा हुआ काफ़ी। तो विनर पास चेक कर लेते हैं एक बार कि विनर पास का थीम कुछ चेंज हुआ, लेकिन यहाँ तो कुछ चेंज नहीं आया है। तो एक बार सीज़न भी चेक कर लेते हैं, क्या पता सीज़न के सिस्टम में कुछ चेंज आया होगा, एनिमेशन कुछ नहीं आए होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया खास इन्होंने, गेम की साइज चेक कर लेते हैं। सेटिंग में क्या क्या आया है नया, तो बेसिक में लास्ट में एक क्विक सेकेंडरी स्विच वेपन का ऑप्शन आया है, क्विक सेकेंडरी वेपन स्विच का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे तो ये आया है कंट्रोल्स में, एक कंट्रोल्स में पिस्टल का बटन अलग से आ गया है, अगर आपको पिस्टल यूज करनी है तो सिर्फ इस पे दबाना है, टैप करना है, आपकी पिस्टल चलने लग जाएगी। तो इसमें तो इतना ही आया है, तो बाकी देख लेते हैं। बाकी ग्राफिक्स अब मेरे को एक्सट्रीम मिलने लगी, HD पे भी पहले बैलेंस में चलता था, लेकिन अब HD पे भी एक्सट्रीम मिलने लगी है, तो काफ़ी अच्छा किया है PUBG मोबाइल लाइट के अंदर इन्होंने। तो बाकी सब तो ऐसी सेम है, कुछ खास और आया नहीं। तो अपडेट में तो फिलहाल इतना ही कुछ था, बाकी तो गेम प्ले मैप के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए, तो लॉबी के अंदर तो इतना ही हुआ है। तो
और एक बात और, इसमें हिंदी और हिंदी का भी सपोर्ट आ चुका है जो कि काफ़ी अच्छा लगा। पहले इसमें हिंदी का सपोर्ट नहीं था तो अब हिंदी का भी सपोर्ट मिलने लगा है लैंग्वेज में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड। तो जल्दी हम इसकी गेम प्ले की वीडियो भी लाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और ऐसी प्यार देते रहिए।